वेलकम टू माय चैनल विंकीज ब्लॉग। आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एक चाट की रेसिपी, आलू काबली। ये खाने में बहुत यम्मी होता है और बनाने में भी ज्यादा मेहनत नहीं है। चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी और इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आलू काबली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक मीडियम साइज आलू, कटा हुआ टमाटर, प्याज, धनिया, मिर्ची, 2 टेबलस्पून चना, 1 टेबलस्पून बॉइल्ड मटर, ब्लैक सॉल्ट 1/3 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा चाट मसाला, इमली का पल्प 2 टेबलस्पून और ये है फ्राइड मसाला। ये मैंने जीरा, धनिया और ड्राई मिर्ची रोस्ट करके बनाया है। ये देंगे हम 1.5 टीस्पून। चलिए देखते हैं इसका प्रोसीजर। आलू को पहले काट लेंगे। इसमें अभी हम चना, मिर्ची कटा हुआ, बॉइल्ड मटर, कटा हुआ टमाटर, प्याज, धनिया, काला नमक, इमली का पल्प, ये मैंने इमली भिगो कर रखा था, ये नींबू के साइज का इमली, उसको पानी में भिगो कर रखा था, फिर उसको स्क्वीज कर रखा, उसका रस निकाल लिया है। ये डाल देंगे 1.5। ये मसाला 1 टीस्पून, 1 to 1.5। नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चाट मसाला अच्छे से मिक्स कर लीजिए, थोड़ा टेस्ट करके देख लीजिए नमक और ये सब ठीक है कि नहीं। एकदम परफेक्ट बना है। ये देखिए आलू काबली रेडी है। आप ये डिश जरूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा। आपको अगर मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।